सर हम आपको देख सकते हैं ना? हाँ जी। हाँ ठीक है, तो आ जा फ्रेम में, आ जा तो बैठ जा। क्या करना सर? ठीक है यार, फर्स्ट क्लास। ओके चलो रेडी। ओके इमरान जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन इस बात की, क्योंकि आज ही जो हमने न्यूज़ आई आपने हाँ शेयर की आपके बेटे के बारे में ट्विटर पे जी, बहुत ही खुशी। थैंक यू। पूरे हिंदुस्तान में थैंक यू, बहुत सारे बातें हो रही हैं, काश ये ऐसा हर किसी के साथ हो जी। अगर किसी को भी ये हो तो ट्रीटमेंट ऐसा ही हो, पूरी तरह से फ्री हो जाए जी। एज एन फादर क्या कुछ टेक होता है आपका, कितनी फीलिंग होती है, प्रिविलेज फील करते हैं आज के? लेकिन ऐसा हो रहा है, बच्चों के ट्रीटमेंट में बहुत प्रोग्रेस हुआ है, जो कहते हैं कि हमें ही नहीं पता था जब हमारे बेटे डायग्नोज हुए थे कि बच्चों का एवरेज सक्सेस रेट ट्रीटमेंट का 75% to 80% है। ये जैसे उम्र बढ़ती है वो थोड़ा परसेंटेज नीचे जाता है एज की वजह से, लेकिन बच्चों को लेकर ट्रीटमेंट बहुत ही फ़ायदेमंद रही है और किसी भी पेरेंट के लिए बहुत खुशी की बात है। हमें आज सुबह हमने अपने साहबजादे को ये खबर सुनाई, उनको तो पता नहीं था, तो उन्होंने एक डांस भी किया घर पे, वो स्कूल के लिए जा रहे थे, उसको इस बात का इल्म नहीं था कि 5 साल हो गए। लेकिन जो कुछ भी लड़ाई खुद उन्होंने जीती है, हमने उनको इस पे सपोर्ट किया है। और यही बस पेरेंट्स को कहूँगा कि जो होप होता है ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। अगर आप लड़ना चाहते हैं, अगर आप इफ़ेक्टिवली लड़ सकते हैं, जो आई थिंक हर कोई कर सकता है। कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो दवाइयों के साथ तो होता ही है ट्रीटमेंट, लेकिन एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी होता है, लोगों की दुआएं, एक चाह हो कि मुझे इस चीज़ को लड़ के आगे बाहर निकलना है, तो हर कोई इस चीज़ से इफेक्टिवली लड़ सकता है। तो आया ने भी ऐसे ही किया, हमने सिर्फ उनको सपोर्ट किया है इस पर। इमरान जी, जब भी वो आपकी फिल्म को, आपके ट्रेलर को या चीज इंडिया को, ट्रेलर को या गाने को जब भी स्क्रीन पे टीवी पर वो देखते हैं, आपको क्या रिएक्शन होता है उनका? या कि हर माना कि अभी वो छोटे हैं लेकिन नहीं, अच्छा रिएक्शन है। और वो उनको भी मुझे देख के वो कहते हैं कि मुझे एक्टर बनना है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार ठहर जाओ अभी, मुझे देख के जस्ट बिकॉज मैं एक एक्टर हूँ इसका मतलब ये नहीं तो मैं एक्टर में एक्टिंग में ही चले जाऊँ। तो अभी बहुत टाइम बाकी है, तुम पढ़ाई करने वाले हो, अपने कोर्सेज करने वाले हो, आगे जाके शायद तुम्हें कुछ और करना होगा, बिजनेस या कुछ और करना होगा, तुम देख लो। एक फिक्स रूल नहीं है, कंपल्शन है नहीं है कि अगर आपके फादर या मदर किसी प्रोफेशन में है तो आपको भी वही प्रोफेशन फॉलो करना है। बट बहुत खुशी होती है, लेकिन अभी जिस तरह के हैं वो एक्टिंग के आसार नज़र आ रहे हैं, जिस तरह वो उनका चाल चलन, जिस तरह वो करते हैं, सब डांस के ही उनका एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन है और वो किक बॉक्सिंग सारी चीज़ें करते हैं, तो हाँ बड़ी खुशी होती है उनको। चीट इंडिया का प्रोमो देखने के बाद मुझे उनको बोलना पड़ा, यार मैं प्रमोट कर रहा हूँ, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ चीटिंग, ये कैरेक्टर प्रमोट कर रहा है चीटिंग, तो अपने स्कूल में तुम चीटिंग मत करना। हाँ सर, अयान और आपकी जो जर्नी रही जी, जी फिल्म में बनाना चाहेंगे? फिल्म में बनाने की कोशिश हो रही है एक तरह से, जो हमारी डॉक्यूमेंट्री हमने लिखी है। क्या है ना कि हमारे देश में जनरली डॉक्यूमेंट्रीज को इतनी अहमियत नहीं दी जाती है। जब कोई एक्टर इस चीज़ से जुड़ा है तो 5 गाने लेके आ जाओ, एक्शन सीन लेके आ जाओ, तो डॉक्यूमेंट्री ऐसी बनती नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आने वाले कल मैं वो डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ, क्योंकि स्क्रिप्टिंग हो चुकी है, बाकायदा पूरा सब लोगों ने काम कर लिया है इसमें, तो डेफिनेटली बनाएंगे। सर,